स्पाइसी चिकन मैक्रोनी। अस्सलाम वालेकुम टू आवर यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपका। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए चिकन मैक्रोनी, वो भी बहुत स्पाइसी, बहुत टेस्टी। मैं ब्लॉग का आगाज़ करते हैं कुरान पाक की इस खूबसूरत सी आयत से, अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए, आमीन। मैं सोच रही थी कि आप लोगों के लिए आइंदा जब भी मैं कोई ब्लॉग बनाऊंगी ना, तो उसमें कुरान की आयत का थोड़ा सा रेफरेंस देके उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी करूंगी। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या मैं नेक्स्ट ऐसे ही ब्लॉग्स बनाऊं। चलें हम अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे एक बाउल में पानी, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे ठीक है, और उसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। ये हमारे चिल्ली सॉसेज हैं, ये हमारा टमाटो केचप है, ये शिमला मिर्च, ये हमारे प्यारे से चिकन, ये मैक्रोनी और ये चाट मसाला। ये आज खाला भांजी वाला व्लॉग है, आज माल मेरी हेल्प करवा रही है। तो जो हमने पानी रखा था वो बॉयल हो चुका है, अब हम लोग इसमें डालेंगे मैक्रोनीस। आप मैक्रोनी जो है वो आप के जी ले रहे हैं और उसको बॉयल वाटर में ऐड कर दें। अच्छा, आपने मैक्रोनी को ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा सा इसको जो है ना बॉयल कर लेना ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स मस्त किया करें। आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा अच्छा वेलकम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इवनली मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही थी और मुझे बहुत हंसी आ रही थी, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हुए थे। तो अच्छा, अब हम अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। मैंने चिकन ले लिया था हाफ के जी, चिलीज ले ली थी, जिंजर गार्लिक पेस्ट था मेरे पास, कुछ कैप्सिकम थी और कुछ टमाटोज थे। अच्छा, और टमाटो केचप और सॉसेस थी जिनमें हमारे पास चिली सॉस, विनीगर, सोया सॉस था और चाट मसाला था। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। हमने सबसे पहले ऑयल जो है उसे गर्म कर लेना है और देन वन बाय वन जो है हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाते हैं कि आगे हमने क्या ऐड करना है। अच्छा, जैसे ही जो ऑयल है वो गर्म हो जाए, जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, मुझे आज ये बताएँ कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा व्लॉग देख रहे हैं, मुझे पता तो चले कौन कौन लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं। अच्छा, जैसे ये थोड़ा सा जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्राई हो जाए तो हम लोग इसमें अब चिकन ऐड करेंगे और चिकन को हम लोग अच्छे से पकाएंगे, इसकी फेंटी लगाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैंने ना इसमें नमक ऐड कर दिया था, उसकी वजह यह है कि अगर आपके बर्तन में चिकन जो है ना वो लग रहा ना नीचे, तो उस पर ऐड कर दें तो सॉल्ट तो ये नीचे नहीं लगता, फिर बेहतर हो जाता है। अच्छा, मैंने ना इसमें सॉसेज ऐड कर दी, सबसे पहले मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और विनीगर ऐड किया था। आप चाहें तो कैप्सिकम और चिलीज़ के बाद भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने उसी टाइम ऐड किया, मुझे थोड़ा सा टेस्ट जो है ना इसका ज़्यादा अच्छा वाला चाहिए था, कि मैं चाहती थी कि बोटियों के अंदर जो है ना इन सॉसेज का जायका तक जाए। चिकन को हम लोग एक बार अच्छे से पका लेंगे, इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम, मेरी फेवरेट। अच्छा, मुझे बाद में अम्मी बता रही थी कि मटर भी पड़े हुए थे, सच में मेरे माइंड में नहीं आया, नहीं तो मैंने मस्ट ऐड करने थे। और मटर ऐड करके ना और कैबेज की दो चीज़ें ऐड कर लें तो क्या ही मज़े की मैक्रोनी बनती है। अच्छा, आप लोगों ने कभी ये वाली मैक्रोनी बनाई है तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में। अच्छा, वो ना कमेंट्स आपके पड़े थे लास्ट व्लॉग में ना, बड़े मज़े के कमेंट्स थे उसमें ना। एक सालिक हुसैन ने कमेंट किया हुआ था कि ठंडा थार दिल बहार। और लिटरली वो पढ़ते हुए ना कमेंट, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बाकी बहुत अच्छे कमेंट्स थे, लोगों ने बहुत अच्छा वेलकम किया, थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना मोटिवेट करने के लिए। अच्छा, हमारी जो सारा था ना सारा बन चुका था, उसके बाद मैंने चाट मसाला ऐड किया, देन मैक्रोनी जो हमने बॉयल कर ली थी उसको मैंने जो है इसके अंदर ऐड किया, इसको देन मिक्स 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 करना है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एंड पे हमने टमाटो केचप ऐड कर देनी है। ऐसे आप लोग देख रहे होंगे कितनी जल्दी बन गया ना, इतनी इजी मैक्रोनी मैंने आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। जस्ट एक से दो चीज़ें आपके घर में हो, चिकन और कैप्सिकम, बस ये दो चीज़ें, और यकीन करें आप इतनी मज़े की बेस्टेस्ट इन टेस्ट जो है ना वो आप रेसिपी बना सकते हैं और मैक्रोनी बना सकते हैं। और इवन आप लड़के भी बना सकते हैं, मतलब अगर लड़के कहेंगे हमें पता ही नहीं है कि क्या ये कैसे बनती है, तो भाई आप मेरा व्लॉग देख लें आपको पता चल जाएगा कैसे बनती है, तो कोई बहाना नहीं। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा मेरा, खुद भी बनाएं, घर वालों को भी बना के खिलाएं और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।